ग्रामीण क्षेत्र के शिवनाथपुरा गांव में सोते समय युवती के चोटी के काटे बाल। घटना के बाद ग्रामीणों में फैली दहशत। सूरत में व्यापारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में कपड़ा व्यापारियों का अनिश्चितकालीन बंद शुरू। धरना प्रदर्शन शुरू कर व्यापारियों ने जताया आक्रोश। पश्चिमी रेलवे की ओर से मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर संपन्न। रेलवे कर्मचारियों व परिजनों का किया शुगर व बीपी रोग का परीक्षण। अर्षी साहू तेली नवयुवक मंडल की एसपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न। समापन समारोह में विजेता उपविजेता टीमों को किया पुरस्कृत। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपसे मुखातिब हूं मैं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जवाजा पंचायत समिति की नुंद्री मालदेव ग्राम पंचायत के गांव शिवनाथपुरा गांव में एक प्रसूता युवती की चोटी के बाल काटने की घटना से गांव में दहशत फैल गई। प्रदेश के कई जिलों में घटित उक्त घटना के बाद मंगलवार रात्रि में घटित घटना की जानकारी के बाद बुधवार सुबह शिवनाथपुरा गाँव में सभी ग्रामीण भयभीत उठे, जाकर झाड़फूंक करवाया। बताया जा रहा है कि झाड़फूंक के बाद युवती की स्थिति में सुधार है। जानकारी के अनुसार शिवनाथपुरा निवासी 22 वर्षीय हेमा पत्नी सुखदेव गुर्जर को अपने कमरे में सो रही थी। देर रात्रि को अचानक हेमा के चिल्लाने की आवाज आई तो परिजन दौड़कर उसकी हेमा बेसुध पड़ी है। परिजन हेमा को लेकर दूसरे कमरे में आ गए तथा मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश दिलाया। हेमा ने बताया कि रात को किसी ने उसका गला दबा दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा तो पाया कि उसकी चोटी के बाल कटे हुए हैं। कटे हुए बाल देखकर तथा वर्तमान में चल रही अफवाह के कारण वह बेहोश हो गई। बुधवार सुबह उक्त घटना गांव में आग की तरह फैल गई। हेमा के घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। उधर हेमा के देवर तथा परिजनों ने बताया कि प्रसव के दौरान हुई गड़बड़ी के कारण हेमा की मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है। परिजनों ने घर में किसी के घुसने तथा किसी अज्ञात व्यक्ति को देखने की पुष्टि नहीं की है। मालूम हो कि प्रदेश में अज्ञात द्वारा बाल काटने की अफवाह को लेकर ग्राम शिवनाथपुरा में किसी अनिष्ट से बचने के लिए कई प्रकार के टोटके किए हुए हैं। ग्रामीणों ने अपने घरों के बाहर मेहंदी व सिंदूर के हाथ के छापे तथा माताजी के त्रिशूल का निशान बना रखे हैं। ग्राम शिवनाथपुरा में घटित यह घटना बुधवार सुबह शहर में भी आग की तरह फैल गई और बाजारों में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। उधर जानकारों का मानना है कि इस प्रकार की किसी भी घटना में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन राज्य के नागौर पाली तथा जोधपुर जिले में घटित घटनाओं के कारण लोगों में भय का वातावरण व्याप्त है। घटना हुई, उसमें ग्रामीण काफ़ी दहशत का माहौल है गांव में पूरे, और ये बीकानेर वगैरह में जो घटना होती रही। एक्चुअली क्या है कि हेमा जो है इसका थोड़ा मानसिक असंतुलन थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा उसने दिमाग में ले लिया और ये बाल कटने की घटना शिवनाथपुरा गांव में हुई। काफ़ी दहशत का माहौल है। सुबह सुबह गाँव में घुसा तो कुछ लोग इकट्ठे हो रखे थे, कुछ बच्चे हैं, औरतें हैं, फिर उनको तो मैंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर भी गांव में जैसे आगे गया तो कुछ एक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, औरतें हाथों में थाली रूप, थाली के अंदर एक थाली में मेहंदी थी, एक थाली में कोई कलर था, घरों के सामने छापे लगा रहे थे। मैंने पूछ लिया बच्चों से, भाई क्यों लगा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन बच्चों ने बताया कि सुखदेव की बिंदनी की चोटी काट ली। मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में देखने गया तो वाकई उसकी चोटी कटी हुई थी। और पूरे गांव में ऐसा माहौल हो रखा था जैसे घर घर के सामने छापे लगाने और वो मारने मारने कि वो चुड़ैल आती है, इनके मारने मारने से नहीं आती है। जीएसटी के विरोध में सूरत में प्रदर्शन कर रहे कपड़ा व्यापारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के विरोध में बुधवार से महासंघ के आह्वान पर ब्यावर तथा आसपास के क्षेत्रों में सभी कपड़ा व्यापारी अनिश्चितकाल के लिए अपना कारोबार बंद रखकर हड़ताल पर उतर गए। बुधवार को शुरू किए गए अनिश्चितकालीन बंद को लेकर व्यापारियों ने शहर के महावीर बाजार में धरना प्रदर्शन शुरू किया।
धरना प्रदर्शन पर बैठे व्यापारियों ने सूरत में जीएसटी का विरोध कर रहे कपड़ा व्यापारियों पर पुलिस द्वारा दमनकारी नीति अपनाते हुए लाठीचार्ज करने की घटना की निंदा करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की। इस दौरान व्यापारियों ने केंद्र सरकार हाई हाई व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। व्यापारियों ने दोहराया कि जब तक दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तब तक वे अपना कारोबार बंद रखेंगे। बुधवार को धरना प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन अध्यक्ष मानव चंद श्रीमाल, रतन लाल गंगवाल, मदन लाल समरिया, विष्णु दत्त जोशी, स्वरूप नारायण झंवर, मोनू नाहटा, त्रिलोक पूरन गिद्वानी, दीपक बोहरा, शोभराज खत्री, अजय लोढ़ा, मनीष मुथा, कैलाश मोदी, राजेश जालोरी, विनोद कपूर, कमल खींचा, राकेश चपलोत, कल्याण खत्री, संजय नाहर सहित बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल थे। कपड़ा व्यापारी पिछले काफ़ी दिनों से उन पर जो जीएसटी थोपा गया है कपड़े पर उसके विरोध में लगातार बंद रख रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया है और एसडीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन शांति प्रदर्शन के दौरान भी हमारे व्यापारियों पर परसों सूरत में लाठीचार्ज किया गया, व्यापारियों को प्रताड़ित किया गया और जबरन उनसे दुकानें खुलाने की कोशिश वहाँ के प्रशासन द्वारा की गई, उसकी हम सब लोगों ने यहाँ सभा कर कड़े शब्दों में भर्त्सना की है और हमारे व्यापारियों पर जो अत्याचार हुआ और जीएसटी को हटाने के लेकर जैसा हमारे जयपुर कपड़ा व्यापार महासंघ ने निर्देश दिया उनके अनुसार हमने यहाँ अनिश्चितकाल के लिए कपड़ा व्यापार बंद करने की घोषणा की है और जैसा हमें वहाँ से आदेश मिलेगा हम उतने दिनों तक यह कपड़ा व्यापार बंद रखेंगे। आज के कपड़ा व्यापार में हमारे दी क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्य, रिटेल वस्तु व्यापार संघ के सदस्य और रिटेल क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के सभी सदस्य, हैंडलूम व्यवसायी हमारे साथ है और हमारा साथ दे रहा है। रेलवे कर्मचारियों द्वारा उनके परिजनों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा स्टेशनों पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रेलवे मंडल अजमेर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार बुधवार को अजमेर मंडल के ब्यावर रेलवे स्टेशन पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 9 से दोपहर 11 बजे तक स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 स्थित रेलवे डिस्पेंसरी में आयोजित शिविर में अजमेर के डॉक्टर प्रदीप जैन ने रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए बीपी तथा शुगर आदि बीमारी की जांच की। जांच के दौरान उपस्थित रेलवे कर्मचारियों को उचित परामर्श तथा उपचार दिया गया। शिविर में कैलाश भाटी, एम के माहेश्वरी, श्रीमती पुष्पा बाई, सरोज देवी, किरण तथा सुभाष आदि ने भी अपनी सेवाएं दी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रेलवे मंडल अजमेर की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 11 जुलाई को मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर सुबह 10 से 12 बजे, 14 जुलाई को सोजत रोड स्टेशन पर सुबह 10 से 12 बजे, 19 जुलाई को सेंद्रा स्टेशन पर सुबह 9 से 11 बजे और फालना रेलवे स्टेशन पर 25 जुलाई को सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। शहर के अजमेरी गेट तहसील भवन के सामने स्थित इमामबाड़े के पास मंगलवार देर रात्रि में अचानक चली तेज हवाओं के कारण बरसों पुराना बरगद का पेड़ गिर गया। यह तो गनीमत रही कि रात्रि का कारण कोई अनहोनी घटित नहीं हुई। बरगद का पेड़ गिरने से बुधवार सुबह इमामबाड़ा से होकर बस स्टैंड की ओर आने वाले मार्ग अवरुद्ध हो गया। बुधवार सुबह पेड़ की टहनियों को काटकर बाधित मार्ग को सुचारू करवाया गया। पेड़ गिरने के दौरान आसपास की दुकानों के बाहर टंगे साइन बोर्ड टूट गए। जानकारी के अनुसार बदले मौसम के चलते मंगलवार देर रात्रि को अचानक तेज हवाएं चलने लगी। इस दौरान इमामबाड़े के बाहर स्थित बरसों पुराना बरगद का पेड़ धराशायी हो गया। नगर परिषद प्रशासन ने कई दिनों बाद एक बार फिर से पॉलीथीन के खिलाफ अभियान शुरू किया है। बुधवार को प्रभारी शिवराज चावरिया के नेतृत्व में शहर के चांगे क्षेत्र में हार ठेलों तथा दुकानों पर छापे मारकर प्रतिबंधित पॉलीथीन की थैलियां जब्त की तथा भविष्य में प्रतिबंधित पॉलीथीन की थैलियां उपयोग में नहीं लेने के लिए पाबंद किया। परिषद प्रशासन की ओर से की गई कार्यवाही से चांगेर क्षेत्र के हाट ठेला संचालकों में हड़कंप मच गया। दल के सदस्यों ने कार्यवाही करते हुए 20 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन की थैलियां जब्त की।
उपखंड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बजरी सप्लाई का काम करने वालों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर माइनिंग एवं जूलॉजी विभाग द्वारा अधिकृत बजरी ठेकेदार द्वारा सरकारी नियमों को ताक में रखते हुए अवैध वसूली करने की शिकायत दी है। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बजरी सप्लायर्स ने बताया कि अब तक लीज राशि के रूप में 16 टन बजरी के लिए कुल 578 रुपए लिए जाते थे और उसकी अधिकृत रसीद दी जाती थी, लेकिन अधिकृत ठेकेदार 2622 रुपए अलग से अवैध रूप से वसूल रहा था, जिसकी कोई रसीद उन्हें नहीं दी जा रही थी। सप्लायर्स ने बताया कि 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू होने के बाद 578 रुपए के अलावा ठेकेदार द्वारा 3122 रुपए अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। मना करने पर ठेकेदार द्वारा अपना ऊंचे रसूखात होने की धमकियां दी जाती है। ज्ञापन में बताया गया है कि परिवहन विभाग द्वारा ट्रैक्टर में 3 टन ही स्वीकृत है, लेकिन ठेकेदार द्वारा मनमाने रूप से पैसा लेकर 9 टन तक वजन दिया जा रहा है। सप्लायर्स ने उपखंड अधिकारी से संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में असलम काठात, ललित कुमावत, इब्राहिम काठात, पूना काठात, कमरुद्दीन काठात, राजू असलम, फजल काठात, गोपाल सिंह, भीम सिंह तथा शौकत अली आदि शामिल थे। हम एजेंट साहब को ज्ञापन देने आए हैं और ये ठेकेदार अपनी अवैध वसूली महीने मतलब रेटे बढ़ाने के विरोध के चक्कर में हम विरोध कर रहे हैं। सभी मोटर मालिक यहाँ खड़े हैं और आए दिन ये पैसे बढ़ा देते हैं और आज तक किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट जारी नहीं करते हैं और माइनिंग डिपार्टमेंट के पास जब रिपोर्ट लेके मतलब रिपोर्ट कहते हैं रिपोर्ट बना के दो तो वो कहते हैं कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, आगे जाओ और पाली जाओ, जयपुर जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते इस प्रशासन के अंदर। और अवैध वसूली करने का काम करते हैं और ओवरलोड गाड़ियों में माल लदान करके और आर्थिक पब्लिक पर आर्थिक भार पड़ रहा है, इसलिए हमको इसका न्याय दिलाया जाए और ये जीएसटी के विरोध में 500 रुपये की अवैध वसूली करने की कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुँचे हैं। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। संस्कार आईटीआई 10वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा मौका। संस्कार आईटीआई कीजिए 2 साल का ट्रेड इलेक्ट्रिशियन कोर्स और बनाइए अपना भविष्य उज्जवल। 2 साल में आईटीआई डिप्लोमा के साथ 12वीं पास की मान्यता, स्वच्छ हरा भरा वातावरण, वाईफाई कैंपस युक्त आधुनिक तकनीक से बेहतरीन कोचिंग, साथ ही ट्रेंड टीचर द्वारा इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में प्रैक्टिकल की सुविधा, अत्याधुनिक आईटी लैब, क्षेत्र का एकमात्र अपग्रेडेड आईटीआई संस्थान, संस्थान के प्रथम बेंच में ही हीरो मोटोकॉर्प, मिल्सुबी जैसी प्राइवेट कंपनियों में 32 विद्यार्थियों का चयन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्लेसमेंट की सुविधा और प्रत्येक सेमेस्टर में 90% से अधिक परीक्षा परिणाम, प्रोजेक्टर एवं आधुनिक प्रणाली द्वारा ऑडियो वीडियो क्लासेस, सरकारी विभागों में नौकरी के बेहतरीन अवसर, एसटी एससी ओबीसी बीपीएल व असहाय अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति की सुविधा और तो और छात्राओं को प्रवेश में विशेष छूट, प्रवेश प्रारंभ तो आज ही चले आए। संस्कार आईटीआई ठीकराना मैदान सेंधा रोड ब्यावर, निदेशक सोहन सिंह व प्रबंधक देवी शंकर, मोबाइल नंबर 9784766144 9887171782। Delhi Public School Byawar started a modest beginning in 2016 to provide best educational facilities. It is a place where every scholar evolves in knowledge, sports such as skating, swimming, shooting, horse riding and other co-curricular activities like music, English spoken club, eco club and art and craft. Delhi Public School Byawar is the only school where French language is introduced from level 1st onwards. Delhi Public School Byawar is a signature of learning. We teach through modern methods, tablets and technology-based smart class to nurture self-expression in every child. Delhi Public School Byawar is a place where every learning is a step to success in life. DPS Senior Secondary School, a dream school for dreams, welcomes you for the new session 2017-18 with Hindi and English medium, with own convent facility and own building. DPS Senior Secondary School,
A school which provides a big platform for the overall development of your child to creating a safe and secure environment for high learning and CCTV surveillance. In kinder section, we specially focused on learning with playing concept, English conversation, proper shape formation, self-confidence building and personality development classes. The school also organizes cultural activities like dance, drama, sports, etc. DPS Senior Secondary School provides science, arts, and commerce subjects with specialized career counseling and extra coaching classes for the senior students. Modern and well-occupied computer and science laboratories. DPS Senior Secondary School with day boarding classes and best hostel facilities for both girls and boys. So hurry up and get ready to make your child to be the part of the best education institute in Byawar. For more details, contact DPS Senior Secondary School, Ambabadi, Vijayanagar Road, Byawar. Aji aisa mauka phir kaha milega? High speed JSky wireless broadband free connection. Ji haan, broadband internet ki duniya mein JSky network ka bumper dhamaka. 5.8 GHz तकनीक के साथ मात्र 1670 रुपए प्रति माह में आज ही लीजिए फ्री कनेक्शन, वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। सालाना एक्टिवेशन पर 2 महीने बिल्कुल फ्री। ऑफर प्लान बहुत ही बेहतरीन और वाजिब रेट में 1 Mbps टोटल अनलिमिटेड से लेकर 15 Mbps तक विभिन्न दरों के साथ। तो आज ही चले आइए हाई स्पीड जे स्काई वायरलेस ब्रॉडबैंड के फ्री कनेक्शन के लिए संपर्क करें जे स्काई टावर, सेकंड फ्लोर, लोहिया बाजार, 5 बत्ती के पास, ब्यावर, और मोबाइल नंबर 9314021702 और 9251025302। तो फिर देर किस बात की, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। महाराजा ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज के शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम। टुडे रीडर, टुमारो ए लीडर। महाराजा सेकेंडरी स्कूल को एजुकेशन CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। एडमिशन ओपन PG टू 10th। 12th विल बी अपग्रेडेड इन कमिंग ईयर फ्रॉम CBSE। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वेल फर्निश्ड, फर्निश्ड लैब, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स इवेंट्स, CCTV सिक्योरिटी, फ्री एडमिशन। महाराजा सेकेंडरी स्कूल, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मसूदा रोड, ब्यावर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। टाटगढ़ रोड स्थित श्री ब्रह्मानंद धाम में चल रहे चातुर्मास सत्संग के दौरान बुधवार को वृंदावन के संत सत्यानंद महाराज ने कहा कि जीवन एक रहस्य है तथा रहस्य ही बना रहे तो बेहतर है। मन की स्थिति से परे राम का नाम महान है। संत ने कहा कि ध्यान साधना की अनुभूति से ही परमात्मा को जान सकते हैं। भागवत कथा, गीता व रामायण आदि ग्रंथों से प्रस्तुत अनुभूति से व्यक्ति जान सकता है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वासना से दुख एवं निर्वासन से सुख मिलता है, बंधन ही दुखों का कारण है। प्रवचन से पूर्व चातुर्मास संयोजक बालकिशन गुप्ता, उपाध्यक्ष डॉक्टर के मिश्रा, सह संयोजक जगदीश रायपुरिया, नरेंद्र झंवर, मुकुट बिहारी गोयल सहित अन्य सदस्यों ने संत का माला पहना कर स्वागत किया। इसी क्रम में अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में चल रहे प्रवचन कार्यक्रम के दौरान संत गोपाल राम महाराज ने कहा कि भक्ति के लिए श्रद्धा प्रथम शर्त है। यदि श्रद्धा है तो ही भक्ति, प्रार्थना एवं उपासना हो सकती है। श्रद्धा बिना व्यक्ति मंदिर या रामद्वारा नहीं जाएगा तो भक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकेगा। श्रद्धा से ही गुरु भक्ति संभव है। प्रवचन के दौरान संत ने चालो से भाईड़ा आपा राम गुण गावा सुनाकर सभी भक्त जनों के मन को प्रफुल्लित कर दिया। इससे पूर्व संत केवल राम महाराज ने अनभय वाणी का पाठ किया। प्रवचनों के दौरान धर्मी चंद शर्मा, भगवान साहू, कैलाश झालानी, कैलाश सर्राव, गोपाल अग्रवाल, रमेश चौहान, अशोक लोकवानी, मोहन भारवानी, भगवान राम विष्णोई, डॉक्टर आशलता शर्मा,
दुर्गा साहू, पुष्पा डानी, मोहिनी शर्मा, कमला माहेश्वरी तथा कांता गुजराती आदि उपस्थित थे। आर्य समाज में चल रहे विश्व कल्याण और वृष्टि यज्ञ के आज तीसरे दिन बुधवार को यजमान प्रकाश जी गुप्ता, सत्यनारायण मालानी, नरेंद्र आर्य तथा शंकर लाल ने हवन आदि में आहुतियां दी। इस दौरान भजनोपदेशक अमर सिंह ने अपने भजनों से सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर आचार्य जी ने अपने उद्बोधन में जीवन में सफलता के लिए विस्तार से प्रकाश डाला। अच्छे कार्यों की शुरुआत हमें करनी चाहिए और कहा कि हमें उसके प्रति जागरूक भी रहना चाहिए। मोबाइल से हो रहे दुष्प्रचार के प्रति सावधान रहने के लिए कहा और बच्चों को सावधान रहने और परिवार के बड़े लोगों को बच्चों के साथ बैठकर अपने परिवार के संस्कार और साहित्य की चर्चा पर जोर देने की बात कही। अपने धन से समाज की भलाई के लिए लोकहित के कार्य करें। स्कूल, प्याऊ, धर्मशाला तथा हवन यज्ञ आदि में सहयोग करना चाहिए। आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक और नए सदस्यों को जोड़ने की बात पर जोर दिया। इस दौरान अध्यक्ष इंद्रदेव, मंत्री ब्रजेश मालू, वैभव तोषनीवाल, अभय दूत, ओम मुनि, महेश मालू, राजेंद्र काबरा, सुनील शास्त्री, सीताराम चौहान, हेमेंद्र सोनी, विनायक माहेश्वरी, महेश गुप्ता, अनंतराज पोद्दार, हरिदेव आर्य, किशनलाल जांगीर, शारदा, तारा, मीना, मोनिका, शीला दूत आदि उपस्थित थे। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष वाणिज्य, कला एवं विज्ञान संकाय में ऑनलाइन प्रवेश के तहत दस्तावेज सत्यापन का काम जारी है। महाविद्यालय की नोडल अधिकारी दीपाली लाल ने बताया कि महाविद्यालय के तीनों संकायों की 1170 सीटों पर 1000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अभ्यर्थी 7 जुलाई तक अपनी फीस जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि अब तक कला संकाय में 690, विज्ञान संकाय बायो में 172, गणित में 112, वाणिज्य संकाय में 33 विद्यार्थियों ने अपना दस्तावेजों की जांच करवाई है। अंतरिम सूची का प्रकाशन 7 जुलाई को किया जाएगा। इसके साथ ही मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की अंतिम तिथि 11 जुलाई तथा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 12 जुलाई निश्चित की गई है। डॉक्टर दीपाली लाल ने बताया कि महाविद्यालय में इस वर्ष से 3 प्रकार के रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें आरएसएस फाउंडेशन कोर्स, सौंदर्य संवर्धन तथा कोष विन्यास कोर्स तथा बैंकिंग एवं क्लब फाउंडेशन कोर्स को शामिल किया गया है। उधर प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय परिसर में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्यावर इकाई की ओर से विशेष सहायता काउंटर शुरू किया गया है, जो प्रवेश संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण करने में नव प्रवेशी प्रवेशार्थियों को सहयोग कर रहा है। जिले में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से बुधवार से 2 दिवसीय अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत पुलिस टीम द्वारा शहर में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम करने वाले बालवाहिनी वाहनों की सघन चेकिंग की गई। जिला पुलिस कप्तान राजेंद्र सिंह के निर्देशानुसार ब्यावर शहर में भी सिटी थाने के बाहर थानाधिकारी यशवंत यादव के नेतृत्व में प्रातः 6 से 9 बजे तक वहां से गुजरने वाली बालवाहिनी वाहन की जांच की गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बालवाहिनी चालकों व मालिकों को पुलिस प्रशासन की ओर से तय की गई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए उसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर भविष्य में उक्त गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया तो चालान बनाए जाएंगे तथा वाहन लीज तक की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा बालवाहिनी के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बच्चों को लाने ले जाने के लिए लगाए गए वाहन अच्छी कंडीशन में हो, कागजात पूरे हो और पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाए। वाहन चालकों को कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो, चालक के पास लाइसेंस हो और वाहन चालक शराबी किसी तरह के अपराध में लिप्त नहीं हो। इसके लिए चरित्र सत्यापन आवश्यक है। बालवाहिनी वाले वाहन बंद बॉडी में हो, जिससे बच्चे का शरीर का कोई अंग वाहन से बाहर नहीं निकले और बस्ते भी बाहर नहीं दिखे। बच्चों को लाने ले जाने के लिए लगाए गए टेम्पो ऑटो रिक्शा के दाहिनी और ग्रिल लगी हो, ताकि उस पर कोई बच्चा चढ़ उतर नहीं सके। आगे की सीट पर बच्चों को नहीं बैठाए। निर्धारित बैठक क्षमता से 1.5 गुना से अधिक विद्यार्थियों का परिवहन नहीं करे। बालवाहिनी गैस से चलने वाली नहीं हो, इससे हादसों की संभावना अधिक रहती है। चालक विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार नहीं करे। वाहन चलाते समय किसी तरह का कोई नशा नहीं करे। बालक वाहिनी में
टेम्प रिकॉर्डर नहीं हो, साथ ही प्राथमिक उपचार पेटी आवश्यक रूप से हो। मालवाहिनी चालकों को जिला परिवहन विभाग द्वारा फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी होगा, उसे हमेशा गले में पहने रखे। मालवाहिनी के आगे पीछे मालवाहिनी की पट्टिका लगाए, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगे हो। शहर में स्कूली बसों की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यदि किराया पर वाहन लिया गया है तो उस पर स्कूल ऑन ड्यूटी लिखा हो। चालक परिचालक वर्दी में हो, साथ ही नेम प्लेट लगी हो जिस पर खुद और वाहन मालिक का नाम लिखा हो आदि को शामिल किया गया है। श्री माहेश्वरी सेवा संगठन की ओर से एसडी कॉलेज ग्राउंड पर मंगलवार से शुरू हुई माहेश्वरी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान बुधवार को ब्यावर 6 बनाम ब्यावर 7 की टीमों के बीच मैच खेला गया, जिसमें ब्यावर 7 की टीम बीच विजेता रही। संस्था अध्यक्ष प्रकाश बुत्रा ने बताया कि इसी क्रम में प्रतियोगिता का दूसरा मैच किशनगढ़ 4 बनाम ब्यावर 4 की टीम के बीच खेला गया, जिसमें ब्यावर 4 की टीम ने जीत हासिल की। उक्त मुकाबले में मैन ऑफ द मैच नितेश कोकटा रहे, जिन्होंने मैच में 82 रनों की पारी खेली। कार्यक्रम संयोजक रवि राठी व गोविंद नौगेजा ने बताया कि मंगलवार को उद्घाटन सत्र के तहत रात्रि में खेले गए मैचों में चित्तौड़गढ़ तथा पाली की टीमों ने जीत दर्ज की गई। बुधवार को खेले गए मैचों के दौरान अजमेर जिला माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष कुलदीप भूतरा, प्रशांत भराड़िया, कपिल झंवर, सुमित मुंद्रा, सुमित गांधी, शोभित नवाल, अभिनव मुंद्रा, गौरव सोमानी, शुभम मणियार, नितिन मालू, नितिन बुत्रा, अंकुर काबरा तथा सुरेंद्र जेतलिया आदि समाज के युवा साथी उपस्थित थे। श्री तेली साहू नवयुवक मंडल के तत्वावधान में विगत 10 दिनों से चल रही साहू प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन बुधवार को समारोह पूर्वक किया गया। समापन के मौके पर उदयपुर रोड स्थित राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाजसेवी रमेश यादव, रघुनाथ पंचोली, गोविंद मंगरोला, गोविंद साहू, छोटूलाल ढाकरिया, रामनिवास धावा, रामचंद्र अजमेरा, पार्षद ईश्वर तंवर, सोहनलाल मेघवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। समापन के मौके पर लीग के फाइनल मैच का मुकाबला शिवा क्लब ब्यावर बनाम बाहुबली ब्यावर के बीच खेला गया, जिसमें शिवा क्लब ब्यावर ने 4 विकेट से जीत हासिल कर प्रतियोगिता की ट्रॉफी अपने नाम की। 10 दिनों तक चली प्रतियोगिता में कुल 22 मैच खेले गए, जिसमें मैन ऑफ द सीरीज ललित सिसोदिया को तथा बेस्ट बॉलर के रूप में मुकेश साहू को पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह के दौरान उपस्थित अतिथियों ने विजेता टीम शिवा क्लब की टीम को ट्रॉफी व 5100 रुपए की नकदी राशि से तथा उपविजेता टीम बाहुबली ब्यावर की टीम को ट्रॉफी देकर नवाजा गया। भारतीय महिला मोर्चा सम्राट पृथ्वीराज चौहान मंडल की अध्यक्षा श्रीमती मंजू जागीर ने अजमेर देहात महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती इंदु शर्मा के निर्देशानुसार व मंडल अध्यक्ष भोम सिंह की सहमति से कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए श्रवणी देवी तथा यशोदा देवी को महामंत्री, कमला देवी, भंवर देवी, दाखू देवी, सोहनी देवी, गीता व संगीता देवी को उपाध्यक्ष, शीला देवी, भोली काठा, संतोष मैना देवी तथा गीता देवी को मंत्री, शीला देवी कोषाध्यक्ष, इंदिरा देवी को कार्यालय मंत्री, विमला देवी को प्रचार मंत्री, इंदिरा जागृत को आजीविनी निधि संयोजक तथा ज्योति को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ग्रामीण क्षेत्र के शिवनाथपुरा गांव में सोते समय युवती के चोटी के काटे बाल, घटना के बाद ग्रामीणों में फैली दहशत। सूरत में व्यापारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में कपड़ा व्यापारियों का अनिश्चितकालीन बंद शुरू, धरना प्रदर्शन शुरू कर व्यापारियों ने जताया आक्रोश। पश्चिमी रेलवे की ओर से मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर संपन्न, रेलवे कर्मचारियों व परिजनों का किया शुगर व बीपी रोग का परीक्षण। अर्षी साहू तेली नवयुवक मंडल की एसपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न, समापन समारोह में विजेता उपविजेता टीमों को किया पुरस्कृत।